तो हेलो गाइस, आज सुनाने जा रहा हूँ आपको अपना कहानी और अपना बारे में। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए, अगर मेरा कहानी जरूर सुनिए, अपना लाइफ अपना साथ। तो ब्लॉग में आज का कहानी, तो गाइस मैं एक छोटा मोटा होटल में काम करता हूँ और मैं चाइनीज का काम करता हूँ और चाइनीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं आया तो फर्स्ट बार 2007 में केरला, उस टाइम मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था, कैसे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए कुछ भी मालूम नहीं था। अभी इतना मालूम हो गया, इतना कन्फर्म हो गया कि मैं कमा ले रहा हूँ अपना घर चलाने लायक, मतलब 20 से 25 हज़ार तक कमा लेता हूँ महीने का, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसी में मैं लगा हूँ कमाने में, तो अपना काम कर रहा हूँ। अगर आप लोग को भी ऐसा काम करना है बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, इसका नॉलेज आपको मिलेगा। तो गाइस मैं फर्स्ट बार आया था तो मेरे को कैरेट क्या होता है उसका कुछ मालूम नहीं, बीन्स किसको बोलता है वो भी मालूम नहीं था, क्योंकि उतना गांव तरफ इतना तो नहीं चलता। कैरेट किसको बोलता है, घर तरफ गाजर बोलता है और बोरा बोलता है और बंदा को भी बोलता है और गोभी को बोलता है, और इधर में ऐसा नहीं। यहाँ पे फर्स्ट में मैं आया तो पहला ओनियन के बारे में, मतलब प्याज के बारे में समझा, प्याज है इधर में पूरा इंग्लिश से ही बात होता। तो भाई बोला मेरे को एक आदमी जाओ प्याज लेकर, ओनियन लेकर आओ, कोई बोलता है जाके सवाड़ा लेकर आओ, कोई कुछ से कहते चलो क्या होता सवाड़ा क्या होता ओनियन में समझा नहीं। फिर एक दिन दूसरा आदमी बोला भाई ले आओ कैरेट ले आओ, मेरे कैरेट के बारे में भी पता नहीं था कैरेट क्या चीज़ होता है, चलो कैरेट किसको बोलता भाई। तो दूसरा आदमी ने मेरे एक दोस्त बोला भाई कैरेट मीन्स मालूम नहीं तुमको क्या होता है, क्या होता है, अरे भाई वही जो घर तरफ ला गाजर होता बोलता है उसको कैरेट बोलता भाई। तो कल मैं सोचा ठीक है सर इसको कैरेट बोलता है, मेरे को जाके दिखाया तो समझ में आया कि ये कैरेट है, ऐसा लगा। उसके बाद दूसरा बार फिर भी मैं आया, बोला भाई बीन्स ले का, अब मैं पहले बार नया नया आया होटल में, अब क्या है सला बीन्स क्या चीज़ है, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। सब कुछ सोच रहा है बीन्स क्या है भाई, कि बीन्स क्या है। तो मैं सोचा चलो बीन्स क्या है भाई, इसके बारे में कैसे बता दें आप लोग, तो बीन्स के बारे में मैं कुछ समझा भी नहीं। तो भाई बोलता है एक दूसरा मेरा गांव वाला आदमी मिला, भाई उसको बीन्स नहीं, वो जो बोड़वा होता ना घर तरफ छटका से लमका लमका सिमिया वही वाला है रे, वही ला लेके आया। तो फिर बाद में बोला ठीक है वही वाला, तो फिर जाके दिखाया तो इसको बीन्स बोलता है। तो फिर वो बाद में बोलता भाई चिल्ली ले आओ भाई, अब साला चिल्ली क्या चीज़ है ये भी मालूम नहीं है भाई, चिल्ली क्या चीज़ है ये भी मालूम नहीं, अब चिल्ली किधर से लाऊं भाई, अरे मिर्चा है बोल रहा है हरा वाला हरा मिर्चा है, वो हरा मिर्चा जो फट्टा से बोला हाँ वही वाला। तो मैं बोला साला वो वाला मिर्चा किधर से मिलेगा, बोला उधर ला के रखा वो लेकर, फिर वो मिर्चा। तो उसी दिन से मेरे को पता चल गया कि चिल्ली इसको बोलता है। दूसरा बार फिर मेरे को कुछ और भी मतलब, तो भाई बोलता है भाई राइस लेकर आओ राइस, कहने चलो ये राइस क्या चीज़ होता है, असल हम लोग घर तरफ तो राइस तो मैं ऊपर से लेके चलाएं राइस, अरे बेवकूफ ये वाला राइस नहीं रे बॉयल किया हुआ राइस, तो इसको भात बोलता है तुम बोलता है राइस है। तो मैं बोला नहीं 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 ये इसी को राइस बोलता है, इधर में भात का ही राइस बोलता है और उसको भी राइस बोलता है। ओ सॉरी भाई मेरे को मालूम नहीं था कि इसे, फर्स्ट बार में जब मैं आया 2007 में और काम करने के लिए, तब फिर मेरे साथ ऐसे हो। तो फिर कोई बोलता भाई ये लेकर आओ, फिर बोलता बाद में भाई हल मतलब टेरीमेरिक पाउडर लेकर आओ, अब मतलब टेरीमेरिक मतलब क्या होता है मेरे को भी मालूम नहीं। तो भाई बोलता है टेरीमेरिक मालूम नहीं, अरे घर तरफ जो हल्दी होता है उसी के बोलता है टेरीमेरिक पाउडर वो लेकर आओ। तो मैं सोचा चलो वही लेकर आता हूँ, फिर मज़ा आ गया। फिर बाद में मैं दूसरा सेफ आया, बोलता भाई फरेपन लेकर आओ, फरेपन क्या होता है भाई, फरेपन में समझा नहीं मैं फरेपन क्या चीज़ होता है। तो फिर मैं सोचा चलो फरेपन क्या चीज़ होता है पता नहीं, तो फरेपन के बारे में सोचने लगा चलो फरेपन क्या चीज़ होता है। तो मैं खुद जाके उधर जिधर बर्तन उधर ढूंढ रहा फरेपन क्या चीज़ होता है। तो फिर पीछे से मेरा मास्टर आ गया, भाई इसको फरेपन बोलता है जो अभी मैं पकड़ा हूँ कढ़ाई उसी को। तो उसके बाद फिर बोलता भाई करछी लेकर आओ, करछी क्या चीज़ है, अरे भाई करछी इसी को बोलता है जो अभी हम पकड़े उसको नाम है करछी, यानी कि डब्बू को करछी बोलता है यहाँ पे।
तो फिर मैं नया नया था, मेरे को मालूम नहीं था। चलो जो है, बहुत ही टेंशन हो जाता था काम में, चलो ये क्या चीज़ है, किधर घुसी है, कैसे क्या करूँगा। अभी इतना तरक्की हो गया, इतना चलो उसके बारे में इतना मालूम हो गया कि अभी कुक हो गया, अभी 20 से 25 हज़ार कमा लेते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं और दोस्तों के साथ हंसी मजाक में लगे रहते हैं। तो ऐसा है, तो फर्स्ट फर्स्ट आप लोग होटल के लेन पर आएगा तो ऐसे ही लगेगा, कोई बोल रहा है भाई क्या कर रहा है आप, ऐसा है। और अभी इतना अच्छा हो गया तो गैस मॉडिफिकेशन है और लाइफ है, ये सब लाइफ में आता है। पहले के बाद जब अभी सोचता है सलाह ऐसे क्या होता, अभी मेरे पास भी ये था है, बहुत से लड़का को मैं मास्टर बना दिया। अभी मेरे 10 साल से कुकिंग कर रहा हूँ, यानी कि होटल के नाम में 15 साल, 5 साल तक हेल्पर में काम किया, अभी 10 साल से कुकिंग कर, इतना एक्सपीरियंस हो गया कि पूरा कहीं भी जाता है कोई भी आइटम बनाने बोलता है सब बना के दे देता है, केरला स्टाइल में, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, कुछ भी, चाइनीज बिरयानी सब, ऑल ऑर्डर, अल्फाम सवेस शर्मा पूरा भी बना देता है। अभी सब मालूम है, केवेज क्या है, कटिंग क्या है, चाकू क्या है, ये क्या है। कोई बोलेगा भाई नैप लेके आओ, नैप नैप क्या चीज़ होता है भाई, नैप मालूम नहीं क्या चीज़ होता है। अरे चाकू लेके आओ, उसे हिंदी में बोलते हैं चाकू, नैप मतलब छुरी लेके आओ, हम लोग छुरी समझते थे, नैप भी नहीं समझता था ना, चाकू समझ छुरी समझता था उस टाइम पर, छुरी ला के दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि लो क्या क्या बोल रहा है यार, समझ में नहीं आता था, भूल जाता था आइटम का नाम भी, भूल जाता। अब गरम मसाला में बोल, गरम मसाला कहते थे, क्या क्या गरम मसाला डालते मालूम नहीं। तो भाई को लौंग ले आओ, इलायची ले आओ, दालचीनी ले आओ, अस्टार मसाला, ये सब भी मालूम नहीं था। अभी अभी इतना मालूम हो गया कि सब का नाम पता हो गया, अभी बहुत स्पेशल और मस्त काम कर रहा हूँ भाई। तो आप लोग को सपोर्ट हो तो और भी बहुत जानकारी देते रहेंगे होटल के बारे में, तो पूरा इस वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। कहानी अगर सुनने में आप लोग को अच्छा लगा तो पूरे चैनल को सपोर्ट जरूर करना, और इससे मेरे को नोटिफिकेशन मिलेगा और मन करेगा और भी स्पेशल कहानी बताने अपने लाइफ के बारे में। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बगल वाला घंटा को जरूर दबाना, मेरा कहानी में कुछ अगर सीखने को मिला तो। गैस अगर आप लोग होटल के लेन में आ रहा है पहला पहले, तो अभी आजकल का लड़का तो पढ़ा लिखा, हम लोग उतना पढ़ा लिखा नहीं था ना इसका वजह से, और इसका बारे में बताएं। तो गैस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को पसंद आए तो बाय बाय।